मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी के अवसर पर एक संदेश दिया, जिनमें उन्होंने कहा कि यह मात्र सवारी न होकर बाबा महाकाल का जनता के साथ सीधा सरोकार है। भगवान दर्शन देते अपने इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं। इसी दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने राजसी सवारी में शामिल हो रहे नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की सवारी की विशेषता है कि पूरे सावन में आयोजन होते हैं। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक सभी सावन और भादो मास में दो सवारी निकलती है। इस तरह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की परंपराओं के साथ पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं को शामिल करते हुए बाबा कृपा बरसाते हैं। जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है, बाबा का जनता के साथ सीधा सरोकार है। जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं, और हम भी मनुष्य होने के नाते से इन चर्म चक्षुओं से उनको निहारने का बेसब्री से हमेशा इंतजार करते हैं। कालों के काल महाकाल इस दुनिया में सदैव सबका संहार करते हैं, संरक्षण करते हैं, और सदैव जीने की ललक जगा करके जीवन के जन्म और मृत्यु के बीच काल के कपाल पर सबका समय नियत करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे देश की आभा दुनिया के अंदर मध्यप्रदेश सहित बाबा महादेव की छवि, एक देवों में देव महादेव, एक विलक्षण अलग प्रकार के देव जो अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आशा, अपेक्षा, उत्साह, उमंग का रंग घोलते हैं। मैं आप सबका मध्यप्रदेश के निकलने वाले बाबा महाकालेश्वर की सवारी में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष की सवारियों की कुछ खासियत भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे अपने बाबा महाकाल की सवारी सावन के पूरे माह, और हमारे यहाँ तो महाकाल मूल्यांकन भी अलग अलग प्रकार से होता है। उत्तर भारत में पूर्णिमा से पूर्णिमा माह हमारा हिंदी अर्थात हिंदू तीज त्यौहार की दृष्टि से मनाते हैं, दक्षिण भारत में अमावस से अमावस मनाते हैं। तो बाबा महाकाल दोनों में संतुलन रखते थे। पूर्णिमा से पूर्णिमा के सभी सावन की सवारियों के साथ साथ भादव की दो सवारी अर्थात अमावस से अमावस तक, अर्थात हर एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके लिए बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आज निकलने वाली सवारी में भी मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे।